नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रेकी नॉलेज प्रो। लास्ट दिन मैंने आप लोगों के साथ रेकी क्या है इस बारे में बात किया था, उसी तरह आज मैं रेकी का एक नया अध्याय आप लोगों के सामने पेश करने जा रही हूँ। आज का मेरा इस वीडियो का टॉपिक है, क्या सभी हीलर्स जो हीलिंग करते हैं क्या वो रेकी का इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहले चलिए हम शुरू, और साथ में मैं इस विषय पर भी चर्चा करना चाहूँगी आज के इस वीडियो में कि क्या रेकी से किसी का बुरा किया जा सकता है। ये सवाल मैंने आज तक, जब से मैं रेकी प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से लेके कई बार कई लोगों से मैं सुन चुकी हूँ, और मैं सबको बारी बारी ये समझाती आई हूँ अपने तरीके से। ठीक उसी तरह आज इस वीडियो में मैं अपने तरीके से आप लोगों के साथ यही बात शेयर करना चाहूँगी कि क्या रेकी किसी का बुरा कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस बात से शुरुआत करते हैं कि हीलर्स कौन होते हैं। बेसिकली हीलर्स वो होते हैं जो कोई भी हीलिंग टेक्निक को यूज़ करके किसी दूसरे को हील करते हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या शारीरिक तौर पे हो। तो जो हम कहने वाले हैं आज, क्या सभी हीलर्स रेकी यूज़ करते हैं? तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या सभी हीलिंग मेथड रेकी द्वारा होता है? नहीं, रेकी तो अपने में एक खास टेक्निक है। हीलिंग बहुत तरीके का होता है, मेडिटेशन भी अपने तरीके का एक सॉर्ट ऑफ हीलिंग है, मगर सब मेडिटेशन में क्या हम रेकी इस्तेमाल करते हैं? नहीं, रेकी एक स्पेशल टेक्निक है, एक स्पेशल हीलिंग टेक्निक है। की एनर्जी यानी लाइफ फोर्स एनर्जी, ये मैंने अपना पिछला अध्याय में ऑलरेडी आप सब लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सभी हीलिंग मेथड्स में की एनर्जी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। की एनर्जी के बगैर कोई भी हीलिंग नहीं होता है, मगर सब हीलिंग मेथड रेकी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रेकी, जैसे मैंने आपको बताया है, कि खास किस्म का हीलिंग होता है जहां एनर्जी को आपके शरीर में चैनलाइज किया जाता है। किसके द्वारा? एक रेकी मास्टर के द्वारा। एक रेकी मास्टर जो किसी और मास्टर से अट्यूनमेंट लिया हो, वही सिर्फ आपको इनिशिएशन दे सकता है। सिर्फ एक रेकी मास्टर आपको रेकी सिंबल्स को यूज़ करने का आज्ञा दे सकते हैं। हमारे रेकी में बहुत सारे स्तर होता है जो मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि रेकी में काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं, जैसे चोकुरे, जैसे हंसा जेसनन, इस तरह से काफ़ी सारे सिंबल्स होते हैं, वो मैं अपना बाकी वीडियोस में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो यही सिंबल बगैर कोई मास्टर से आज्ञा लेकर आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत कम, करोड़ों में सिर्फ एक इंसान को भगवान ऐसे बनाया हो जिसमें रेकी पावर पहले से मौजूद हो, या फिर उन्हें कोई खास तरीके से रेकी का अट्यूनमेंट मिला हो, ऐसे नहीं होता है। मगर भगवान जी, बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि कोई खास इंसान, जैसे मैंने कहा, करोड़ों में एक ऐसे बनाते हैं जिनको रेकी अट्यूनमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं उस गॉड, उस ईश्वर का एक वरदान होता है। तो मोस्टली हम सभी को किसी ना किसी टीचर से अट्यूनमेंट लेने के बाद ही हमें आज्ञा मिलता है किसी और को रेकी चैनलाइज करने के लिए। जैसे मैंने कहा, हीलर्स तो बहुत होते हैं और वो लोग अपना अपना तरीका यूज़ करते हैं हीलिंग के लिए। तो जिन्होंने रेकी अट्यूनमेंट नहीं लिया है फिर भी दूसरे का हीलिंग कर रहे हैं किसी मेथड यूज़ करके, वो रेकी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी, रेकी को हम बिना अट्यूनमेंट लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हीलिंग मेथड जैसे बहुत सारे हैं, मगर रेकी सिर्फ एक खास हीलिंग है। तो जो लोग हीलिंग मेथड में जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर रेकी सीखे, वो लोग अगर रेकी का ट्रेनिंग ले, किसी मास्टर से सिंबल का अट्यूनमेंट ले,
तो उनका जो हीलिंग पावर है वो डबल हो जाता है, वो कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। उनके हीलिंग में कुछ ऐसे जादू आ जाता है, उनका सिर्फ एक स्पर्श से रोगी खुद ब खुद ठीक हो जाता है। उनके पास एक ऐसा पावर आ जाता है कि ऐसा भी होता है कि जो पेशेंट है उनको देखकर ही अक्सर ठीक हो जाते हैं। उनका गले में, उनका वॉइस में ऐसा जादू आ जाता है जिसको कानों से सुनकर ही पेशेंट कहते हैं कि हम तो ठीक हो गए, तो आधा ठीक तो वहीं पे हो गए। हम जानते हैं कि एक अच्छे डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, उनका बातों में जो मिठास है, उनका बातों में जो कॉन्फिडेंस देता है हमें, उसी से पेशेंट आधा ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरह से एक हीलर जब अपने स्वर से कुछ ऐसा जादू निकाल के आपके सामने ये कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये बीमारी तो मैं चुटकी में ठीक कर दूँ, तो उसी में पेशेंट आधा ठीक हो जाते। तो अगर कोई हीलर मेरा इस वीडियो को देख रहे, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका हीलिंग टेक्निक में आप चाहे तो उसमें और पावर बढ़ा सकते हैं रेकी की मदद से। चाहे आप कोई भी रेकी मास्टर टीचर से अट्यूनमेंट ले, मगर इस बात का एहसास आपको ज़रूर होगा कि रेकी सीखने के बाद आपका हीलिंग पावर कितना गुना ज़्यादा बढ़ गया है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि क्या रेकी किसी की बुराई करने के लिए आपका मदद कर सकता है? तो नहीं, रेकी कभी किसी और का बुरा बिल्कुल नहीं कर सकता है। वो क्यों, वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने आपको कहा है पहले भी कि रेकी एक आध्यात्मिक शक्ति है। क्या आप भगवान जी से प्रार्थना करें कि उस इंसान से मेरा झगड़ा हो गया और आप उसका बुराई कर दें? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपका बात सुन के भगवान जी उस इंसान को सजा दे देंगे? नहीं, कर्म अपने आप में चलता है, तो उस इंसान का कर्म से भगवान जी उनका सजा निर्धारित करते हैं, आपका कहने से नहीं, मेरा कहने से नहीं। उसी तरह से हमारा जो आत्मात्मिक चेतना है रेकी, उसी से गाइडेड होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कोई भी तरीके से कि आप रेकी को कहे आप किसी का बुरा कर दे और वो आध्यात्मिक शक्ति आपका बात मान के किसी और का बुरा कर दे? आप खुद ही लॉजिक दे के सोचिए, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या हमारा आपका कहने से आध्यात्मिक शक्ति काम करता है? क्या आपका हमारा कहने से किसी और को सज़ा देने का सोचने से वो काम कर सकता है? किसी का बुराई करने के लिए हम भगवान जी से प्रार्थना करें तो क्या वो संभव है? आप सोचेंगे तो जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, मुझे कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि रेकी को पता है कि आपको क्या चाहिए। शायद हम इंसान को पता नहीं हो कभी कभी कि हमें क्या चाहिए अपना ज़िंदगी में, मगर रेकी को ज़रूर पता होता है कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि मैंने कहा है कि वो एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो भगवान जी को पता ही होता है कि हमें क्या चाहिए, इसमें तो कोई बोलने की जगह नहीं है। तो रेकी अपने आप को एडजस्ट करता है आपके ज़रूरत के हिसाब से। आपको जो चाहिए आपका हायर सेल्फ, आपका हायर कॉन्शियस को पता होता है, तो उसी तरह से आपका पास वो खुद ब खुद आ जाता है रेकी के द्वारा, रेकी के इस निर्धारित चैनल के द्वारा। रेकी हमेशा सेफ एंड हेल्पफुल होता है। मैंने आपको इतना कुछ बताया है, अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि रेकी किसी की बुराई करने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सालों पहले मेरा किसी से बात हुआ था, तो उनको ऐसा लगा था, उन्होंने मुझे पूछा भी था कि क्या रेकी से हम किसी का बीमारी किसी और में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो तब मुझे इतना जानकारी तो नहीं था। आज मैं एक रेकी मास्टर हूँ, रेकी की कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से। और इस सवाल का जवाब तो मेरा इस वीडियो देखते वक्त आपको भी पता चल गया होगा कि रेकी से किसी का बीमारी ठीक किया जा सकता है, मगर वो किसी और में ट्रांसफ़र बिल्कुल करना पॉसिबल नहीं है। रेकी से आप किसी और को मदद कर सकते हैं, किसी और के बीमारी को हील कर सकते हैं, आप खुद के बीमारी को हील कर सकते हैं, मगर किसी और के बीमारी किसी और में ट्रांसफ़र करने की शक्ति वो आप में कभी नहीं होता है। जब हम हीलिंग करते हैं, हम सिर्फ रेकी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके इस इंसान में समा जाइए, आप उसका सारा बीमारी को
पॉजिटिविटी में बदल दीजिए, बीमारी से उसे मुक्त कर दीजिए। मगर हमारे पास कोई शक्ति नहीं होता है कि हम उस इंसान को ठीक करें। हम तो सिर्फ केवल एक सामान्य इंसान हैं। हमारे पास किसी और का बीमारी ठीक करने का शक्ति कहाँ से आएगा? हम तो खुद के भी बीमारी ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाते, तो क्या हम किसी और के बीमारी को ठीक कर सकते हैं? वो सिर्फ रेकी कर सकता है। तो हम रेकी के पास जब हाथ जोड़ के ऐसे मदद मांगते हैं कि आप हमारे बॉडी में आके हमको हील कर दीजिए, हमको मेंटली एंड फिजिकली हील कर दीजिए, या फिर किसी और इंसान के पास जाके आप उस इंसान को मदद कीजिए, हेल्प कीजिए मेंटली एंड फिजिकली बीमारी से मुक्त होने में, तभी रेकी उसे ठीक करते हैं, हमें ठीक करते हैं। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आध्यात्मिक शक्ति है, और अट्यूनमेंट के द्वारा वो शक्ति हमें मिलता है। और ये बात हम सबको जानने की बहुत बहुत आवश्यकता है कि रेकी हमें तभी मिलता है जब रेकी जाते हैं। मैं खुद भी जब अट्यूनमेंट लिया था, तो मैं अपना पहला अट्यूनमेंट में मुझे 3 बार डेट कैंसिल हुआ था, और आखिरी बार मेरा जो टीचर है वो तो मुझे देना भी नहीं चाहते थे, मगर उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ उनका थर्ड आई चक्र में कि मुझे ज़रूरत है। मेरा अपना पर्सनल रीज़न के वजह से मुझे ज़रूरत थी उस दिन, कि मेरी ज़रूरतों को समझते हुए मुझे लास्ट बार में मौका करवा दिया। तो यही है रेकी, यही है एक आध्यात्मिक शक्ति जो आपको पूरी तरह से जानता है। चाहे हमारा दोस्त, हमारा खास आसपास के इंसान भी हमें उतना ना जानता हो जितना रेकी हमें जानता है, जितना वो ऊपर वाला हमें जानता है। अगर कोई रेकी हीलर या कोई रेकी मास्टर ये कहते हैं कि मैंने ठीक कर दिया है, इसका मतलब उसमें घमंड है, इसका मतलब वो कुछ समझते हैं। मगर यहाँ पे ईगो कि मैंने ठीक किया है, मेरे मदद से ठीक किया है, ये गलत कॉन्सेप्ट है। हम लोग सिर्फ एक चैनल है। रेकी हमें चैनल के तौर पे लोगों की मदद करने के लिए भेजे हैं, और हम सब रेकी मास्टर्स का ये बहुत 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 बड़ा कृपा है कि रेकी हमें चुना है इस भले काम का लिए। तो अगर कोई कहता है कि मैंने आपको ठीक किया है, इसका मतलब दैट पर्सन इज़ टू प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, कि वो रेकी का जो ये कृपा है वो नज़रअंदाज करते हुए उनको ऐसा लगता है कि उनमें कुछ शक्ति है जिसके वजह से सामने वाला ठीक हुआ है। मगर ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई रेकी मास्टर या हीलर ऐसा कहते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो इंसान में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, कोई चक्र इम्बैलेंस है जिसके वजह से उनमें ईगो है और प्राउडनेस है। एक सच्चा हीलर, एक सच्चा रेकी मास्टर हमेशा उस रेकी को सबसे पहले क्रेडिट देगा अपना इस हीलिंग शक्ति के लिए, वो कभी खुद क्रेडिट नहीं लेगा। और जब भी आपको ऐसा कोई मास्टर मिले, तो उसके पास अब रेकी सीखना ज़रूर चाहिए। आप कोई भी रेकी मास्टर के पास सीखें, मगर सबसे पहले ये देखना अनिवार्य है कि क्या वो रेकी मास्टर टीचर सही है आपके लिए। तो मेरा इस वीडियो से आपको इतना तो पता ही लग गया होगा कि आपको रेकी मास्टर कैसे देखना है। वैसे तो हम कहते हैं कि हर गुरु सही होता है, हर गुरु हमें रास्ता दिखाता है, मगर आज के दुनिया में ऐसे बहुत सारे केसेस में सुनती हूँ, देखती हूँ हर रोज़, जिसके वजह से आज मैं ये बात कहने पे मजबूर हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से ये बात कह रही हूँ कि जो रेकी मास्टर टीचर से आप इनिशिएशन ले रहे हैं, आप ये ज़रूर देख लीजिए कि वो टीचर आपके लिए सही है कि नहीं। और मेरे इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आगे मेरे पास जितना भी केसेस आए, मैं बिना नाम लिए आप लोगों के सामने केसेस को पेश करूं, ताकि आप लोगों को भी समझ आए कि मैं जो बोल रही हूं क्यों बोल रही हूं। कभी कभी जो लोग नया नया रेकी सीखते हैं या किसी इंसान को इनिशिएशन देते हैं, वो लोग ऐसा अपना मन में सोचते हैं कि क्या हम किसी को रेकी दे या ना दे, अगर वो इंसान रेकी को गलत काम के लिए इस्तेमाल करे तो। उनके लिए, उनके जानकारी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बारे में आप लोगों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सवाल आपका दिमाग में आ रहा है इसीलिए क्योंकि आप नया नया इस फील्ड में आए हैं,
मगर आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि अगर आप जिसे रेखी दे रहे हैं वो गलत काम के लिए इस्तेमाल करें, तो उसका जो कर्म है, उस गलत काम का जो कर्म है, वो आप पर लागू नहीं होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा है, रेखी को हम निर्देश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास जाना है और किसको हील करना है। इसीलिए अगर आपका गैर मौजूदगी में कोई आपका कैंडिडेट, कोई आपका स्टूडेंट अगर रेखी का गलत इस्तेमाल करे, तो उसका दोष है, वो आप रेखी पे छोड़ दीजिए। अपना लाइफ में देखते हुए एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर मैंने अपना लाइफ में देखा है कि एक इंसान जो कि रेखी सीखा है, मगर जो स्तर पे वो सीखा है, जैसे फर्स्ट डिग्री सीख कर वो अपने आप को ग्रैंड मास्टर कहते हैं, और इस बात का वो प्रिंट पे भी सबको दिखाते हैं, प्रिंटिंग मटेरियल पे छाप के। कुछ दिन बाद इसी इंसान को हार्ट अटैक से प्रॉब्लम हो गया और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। आप लोगों के साथ मैं इस घटना को सिर्फ ये समझाने के लिए शेयर कर रही हूँ कि रेखी अपना रास्ता खुद चुनते हैं। हम में से किसी में वो शक्ति नहीं है कि रेखी को आदेश दे। अगर आप गलत काम के लिए रेखी का इस्तेमाल करेंगे, तो रेखी उसका सज़ा अपने तरफ अपना तरीके से आपको कम ज़्यादा दे ही देगा। आप अगर गलत काम करेंगे तो रेखी आपको माफ़ नहीं करेंगे, मगर अगर आप सही काम के लिए रेखी का इस्तेमाल करें, तो रेखी आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। तो अभी आपको समझ ही आ गया होगा कि रेखी गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो गलत आपको ही भुगतना पड़ेगा, उसका जो फल है उसका सज़ा आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो आप रेखी को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कीजिए, खुद को हीलिंग करने के इस्तेमाल कीजिए, दूसरे को हील करने के इस्तेमाल कीजिए, किसी और को रास्ता दिखाने के लिए रेखी को प्रयोग कीजिए। मगर ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप खुद रेखी सीखेंगे। तो आप मेरे पास हो या किसी और के पास हो, रेखी ज़रूर सीखिए और अपना लाइफ को खूबसूरत बनाइए। आपको अगर मुझसे रेखी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, मुझसे रेखी सीखना हो, तो स्क्रीन के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और मैं कोशिश करूँगी मुझे जितना पता हो रेखी के बारे में, वो सब जानकारी मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और आज के लिए आज्ञा चाहती हूँ। अगले दिन फिर कुछ नया रेखी के बारे में लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।